वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हम लोग लेक्चर लेके आए हैं, इसमें 2023 में नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके कुछ क्वेश्चंस का मैं सोल्यूशन यहाँ पर लेके आया हूँ। और सोल्यूशन डिटेल सोल्यूशन होगा। मैं यहाँ पर आपको केवल टिक लगवाने नहीं आया हूँ कि ये ऑप्शन टू है, ये ऑप्शन थ्री है। एक्सप्लेन भी करा जाएगा कि उस सोल्यूशन का आंसर ये क्यों है। तो फटाफट अपने समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चंस में आते हैं। हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी राइट डाउन लग के रखे हैं। एक क्वेश्चन ये आपके पास पूछा गया था नीट यूजी में आपका, कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। वहाँ पर भाई एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल इस तरह से लिखा हुआ था, बेंजीन रिंग थी, CO के बगल में लाइन है, मतलब यहाँ पर कार्बन है, मतलब मेथेल है इस जगह पर, और CO के बगल में यहाँ पर H, मतलब ये ग्रुप आपका एल्डिहाइड का है, ये आपका कीटोन का। फिर उसने सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स लिखा है, साथ में बेसिक मीडिया दिया है और पूछ रहा भाई मेरे पास इन चार में से फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। तो प्रोडक्ट तो मैं बाद में देखूंगा, पहले देखूंगा मेरे पास सबस्ट्रेट क्या है और वास्तव में ये जो गिवन है आपको, ये रिएजेंट कौन सा है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीधे टिक लगा लेते हैं, हाँ भाई ये मेरे पास सबस्ट्रेट, मतलब कुल मिला के प्रोडक्ट में पहले घुस जाते हैं। अरे भाई आप सबस्ट्रेट देखिए, आप अपना रिएजेंट देखिए, तो भाई मेरे पास ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल मींस बेसिक मीडिया का है, बेसिक मीडिया का। कुल मिला के अमोनिकल मीडियम में मेरे पास जो सिल्वर का ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा है ना, ये मेरे पास टॉलेंस रिएजेंट है। मतलब कुल मिला के यहाँ जो मेरे को दे रखा है Ag और NH3 का होल ट्वाइस सिंगल प्लस इन बेसिक मीडिया, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये पूरा का पूरा जो आपका कंपोजिशन है ये टॉलेंस रिएजेंट का है। और मेरे को पता है टॉलेंस रिएजेंट जो है एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मगर सेलेक्टिव है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है मगर सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब है चुन चुन के ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे धर्मेंद्र के डायलॉग रहे ना, चुन चुन के मारूंगा, उसी तरह से बिल्कुल चुन चुन के ऑक्सीडाइज करता। तो किसे चुनता है भाई, किसे चुनता है, चुनवाई कहाँ है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप को हमेशा ऑक्सीडाइज करता है पर्टिकुलर एसिड ग्रुप में, मतलब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किस में कर देगा, एसिड में। तो हम लोग अपना आंसर देखते हैं मेरे पास क्या है। कीटोन, अगर भाई मेरे पास कीटोन ग्रुप है तो उसको किसी प्रकार से ये क्षति नहीं पहुंचाएगा। कीटोन छोड़िए, कोई भी आपके पास ग्रुप जो ऑक्सीडाइज होने वाला है, टॉलेंस से चेंज नहीं होता है, केवल एल्डिहाइड को छोड़कर। तो मैं बता दूं मेरे पास ये जो ग्रुप है, ये जो पहले वाला ग्रुप है, ये तो भाई कीटोन का है, और नीचे वाला ग्रुप जो है जिसमें H हाइड्रोजन लगा एल्डिहाइड का है, तो यही ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, ऊपर वाले में कोई इफेक्ट नहीं है। चलो पहला ऑप्शन देखते हैं भाई मेरे पास। देखिए ऊपर का ग्रुप तो अनइफेक्टेड, जैसा मैं सोच रहा था वैसा ही, मगर नीचे ये क्या दे दिया, ये तो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये तो कार्बोक्सिलेट आयन है। हाँ बिल्कुल, वहां पर COOH पहले बना होगा, मगर चूंकि मीडिया बेसिक हो गया है, मीडिया में OH नेगेटिव है, तो ये OH निगेटिव इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बोक्सिलेट आयन ही बनेगा। यानी जब तक एसिडिफाइड ना करा जाए, जब तक एसिडिफाइड ना करा जाए, तब तक COH नहीं बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो, जब तक मेरे पास एसिडिफाइड ना करा जाए तब तक COH ग्रुप नहीं बनेगा, ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो उसने यहाँ पर H प्लस तो कहीं लिखा नहीं, बट अगर इसी क्वेश्चन में उसने जरा सा यहाँ पर H प्लस टपका दिया होता तो इस जगह पर 100% वो आंसर सही होता जहाँ पर COOH होता। फिलहाल बाकी भी और चेक कर लेते हैं। ये तो भाई बड़ा गड़बड़ हो गया, इसने तो कीटोन को रिड्यूस कर दिया, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर फिर कीटोन रिड्यूस हो गया, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पर तो उसने एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया। भाई इन तीन में तो रिडक्शन हो रहा है,
मगर टॉलेंस रिएजेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मगर भाई आगे की भी तो फ्यूचर देख के भी तो चल, अगर यहाँ पर छोटा सा उसने H प्लस लिख दिया होता, छोटा सा H प्लस टपका दिया होता, मीडियम ऐसे डिवाइड कर दिया होता ना, तो भाई मेरे पास यहाँ पर ये सी एजेंट था, मेरा पहला क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है इनमें से कौन सा क्वेश्चन भाई, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, मेरे पास पहला कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, तीसरा कॉम्प्लेक्स, चौथा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। तो भाई मेरे पास, मैं बता दूँ, लीगेंड, लीगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, मगर लीगेंड अगर एक लोन पेयर दे रहा है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स मोनोडेंटेट होता है। अगर लीगेंड डोनेट ओनली वन लोन पेयर तो मोनोडेंटेट, अगर कोई लीगेंड किसी मेटल को दो लोन पेयर या दो से अधिक लोन पेयर डोनेट करता है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है बाईडेंटेड लीगेंड। और बाईडेंटेड लीगेंड जब भी आता है तो वहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बन जाती है, एक साइक्लिक रिंग बन जाती है। देखो ये साइक्लिक रिंग बन गई, इस साइक्लिक रिंग को साइक्लिक रिंग नहीं बल्कि चिलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चिलेट रिंग बोलते हैं। और चिलेटेड कॉम्प्लेक्स इसका नाम हो जाता है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है बेटा? इस कॉम्प्लेक्स का नाम है चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। और इट इज ऑब्जर्व डैट चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल इन कंपेयर टू नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये जो बिना रिंग वाला है ना, ये जो बिना रिंग वाला है ना, इसका नाम क्या है? नॉन चिलेटेड। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होता है। कारण ये है, इसको ब्रेक करने के लिए इसमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और इसको ब्रेक करने के लिए भाई एक साथ दो बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। इस वजह से जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है, जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लोरीन, क्लोरीन इज ए टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लीगेंड। अमोनिया, अमोनिया इज ए टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लीगेंड। पानी, पानी इज ए टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लीगेंड। नाइट्रेट इज ए टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लीगेंड। मगर जो ईएन लिखा है एक जगह पर, देखिए ईएन आपके में दिया है, ईएन, ईएन मेरे पास क्या है? ईएन मेरे पास एथिलीन डाइमीन है, जिसका फॉर्मूला है CH2NH2, सिंगल बॉन्ड CH2, बहुत फेमस लीगेंड है नीट लेवल में। तो यहाँ एन के पास लोन पेयर दो जगह पर है, तो मेटल को इस तरह से दे करके बेटा एक साइक्लिक रिंग बना लेगा, साइक्लिक रिंग बना लेगा। तो ईएन वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो मेरे पास चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होगा, बाकी इसमें जितने हैं सब मोनोडेंटेड हैं, इसमें जितने हैं सब मोनोडेंटेड हैं, इसमें जितने हैं सब मोनोडेंटेड हैं। मगर जो ईएन वाला है ये बाईडेंटेड है, यहाँ चिलेट बनेगी। इस वजह से जो पहला ऑप्शन मेरे पास है, ये करेक्ट ऑप्शन है, सबसे अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स यही मेरे पास है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मैंने कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन ले लिया है, फिजिकल केमिस्ट्री का। देखिए भाई, मैं पूरा क्वेश्चन स्क्रीन में लाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसीज इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी से सी प्लस डी आर 2, 3, 10 एंड 6। मतलब कुल मिला के अगर ये रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो वहाँ पर ए का जो कंसंट्रेशन है वो मेरे पास 2 है, बी का कंसंट्रेशन जो है वो 3 है, सी का जो कंसंट्रेशन है वो 10 है, डी का जो कंसंट्रेशन है वो 6 मोल पर लीटर एट 300 केल्विन। देन फाइंड डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आर गैस कॉन्स्टेंट का मान कैलोरी में दे रखा है। तो भाई सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मेरे को एक वॉन्ट हॉफ इक्वेशन पता होनी चाहिए, मेरे को एक वॉन्ट हॉफ इक्वेशन पता होनी चाहिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको नहीं पता कोई बात नहीं, आप देखिए यहाँ पर आपको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू के में रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट इज द चेंज इन स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स ऑफ एनर्जी एंड के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन आर टी
एल एन के ये मेरे पास है, अगर मैं मोल यहाँ पर वन मान के चलता हूँ या जो भी है, तो डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस का आर टी एल एन के, या अगर इस एल एन को मैं लॉग ई बेस को टेन बेस में बदलूँ तो डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस 2.303, ये मेरे पास हो जाएगा आर टी और लॉग मेरे पास के हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये बॉन्ड टॉप आइसोथर्म बॉन्ड टॉप इक्वेशन है वेयर के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। साफ समझ में आ रहा है, अगर मेरे को के का वैल्यू मिल जाए, के की वैल्यू मेरे को मिल जाए तो मैं डेल्टा जी नॉट फाइंड कर सकता हूँ। तो भाई मेरे पास रिएक्शन दे रखी है ए प्लस बी से आपका सी प्लस डी, ठीक है। तो भाई मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्टिव मास ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, बट सुनना भाई, एक्टिव मास ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, एक्टिव मास ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम अपॉन में एक्टिव मास ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, एक्टिव मास ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम। ये सारे जो कंसंट्रेशंस आप यहाँ लगाएंगे ना ए बी सी डी के, वो सारे एट इक्विलिब्रियम, क्यों भाई क्वेश्चन पढ़ ले, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही उसने दे रखा है, उसने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखा है ना। तो यहाँ पर देख, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 10 है, डी 6 लगा दो भाई, सब लगा दो। सी मेरे पास 10 है इंटू डी मेरे पास 6 है अपॉन में 2 इंटू 3, 2 3 या 6 को ले डूबा तो के इजिकल टू मेरे पास 10 आ गया, के इजिकल टू मेरे पास क्या आ गया 10 आ गया। अब मैं अपना सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर डेल्टा ये पर मोल दे रखा है, आर देखें पर मोल है, तो यहाँ पर मोल नंबर ऑफ मोल्स मैं 1 मान लेता हूँ, तो डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस का आर टी और एल एन, एल एन ना लगा के मैं लॉग के लिख लेता हूँ, या चलो अभी एल एन के लिख लेते हैं क्योंकि मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं कराया। तो डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस 2.303 आर टी और लॉग के, बता आप इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, माइनस 2.303, आर का मान उसने 2 दे रखा है, टेम्परेचर उसने 300 दे रखा है, और लॉग 10 बेस पर भाई मेरा के तो 10 उसने हो गया, तो ये वैल्यू तो मेरी 1 हो गई। आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2.303 इंटू ये 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 6 दुनी 12 यानी 12 माइनस का, यानी कि आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएगा आप इसका मल्टीप्लाई करके अपना ऑप्शन इसमें से मैच कर लीजिए, कौन सा आंसर आपका करेक्ट है वो आप करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ भाई, इस इक्वेशन का नाम ध्यान रखियो, इसका नाम होता है बॉन्ड टॉप इक्वेशन डेल्टा जी नॉट। और हाँ, अगर डेल्टा जी नॉट निगेटिव आता है तो प्रोसेस जो होता है डेल्टा जी नॉट निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन भाई डेल्टा एच और डेल्टा यू चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बीच उसने रिलेशन पूछ दिया, बहुत सिंपल सा है। हमें एंथैल्पी इज इक्वल टू पता होता है ई प्लस पी वी, अगर आपको नहीं पता है या तो ये लिख दीजिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आप लिख दीजिए एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। देखो भाई, एंथैल्पी जो होती है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यू जो है वो तो इंटरनल एनर्जी है, इसमें जब पी वी भाई एनर्जी होती है तभी तो जुड़ रही है, तो पी वी एनर्जी जब मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी, मतलब यू इज नॉट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इंटरनल एनर्जी में जब पी वी एनर्जी जोड़ते हैं तो वहाँ पर मेरा एंथैल्पी इज द टोटल एनर्जी। मैं यहां थोड़ा सा चेंज निकाल लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं चेंज करूं, चेंज इन, तो भाई अगर मैं डेल्टा एच लगा लूं तो यहां डेल्टा यू लगा लूं प्लस डेल्टा पी वी लगा लूँ। एक बात मैं बता दूँ, अगर आपने जहाँ भी स्टडी करी हो, जो भी करा हो, हम लोग जब भी एंथैल्पी चेंज की स्टडी करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, क्या कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर मोस्टली कांस्टेंट रखते हैं। फिलहाल यहाँ पर उसकी आवश्यकता मेरे को लग नहीं रही है क्योंकि ऑप्शन में जगह जगह पर डेल्टा एन आर ये सब दे रखा है, तो मैं सीधे उस फॉर्म में लाता हूँ। मेरे पास इक्वेशन होती, मैं गैस की बात करूँगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, किताबों में ही आइडियल है, बाकी वैसे तो आइडियल नहीं होती है, वैसे आइडियल गैस इक्वेशन ये है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी के बदले मैं एन आर टी लिख देता हूं। यहां पर
जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, कोई भी आप गैस लोगे कहीं पर तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर के अंदर फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, तो एन इज कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा के बाहर आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ये मेरे पास डेल्टा एन ऐसे रहेगा, आर ओ टी इक्वल मिला के डेल्टा एन आर टी, यही इक्वेशन आपका मोस्टली बन जाएगा। तो डेल्टा एन आर टी, एन आप गैस लगा दीजिए, आर टी ऐसा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एन में गैस लगा दीजिए, तो ये मेरे पास बन जाएगा जो मेरे को ऑप्शन नंबर 4 दिखाई पड़ रहा है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं छोटे वीडियो बनाता हूँ, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी सोल्यूशंस लेके आऊँगा, आपको इक्वेशन सॉल्व कराऊंगा। हाँ, इस वाले का आंसर आप इसका मल्टीप्लाई करके मैच कर लीजिएगा, कोई ना कोई मैच करेगा, शायद पहले या सेकेंड ऑप्शन जहाँ तक होगा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि 138 है ये -13.7 ऐसे ही वैल्यू आएगी। ठीक, थैंक यू वॉचिंग फॉर द लेक्चर।